अलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात होंगे। अच्छा जी, ये जी इस तरह का मेरा ड्रेस है खद्दर का, और ये मैंने सेल में लिया था। बहुत खूबसूरत इसका कपड़ा है, मुझे बस इसका प्रिंट बहुत पसंद आया था, इस वजह से मैंने लिया है। 2790 इसकी एक्चुअल प्राइस है, और मुझे ये मिला है 1800 में। इसके साथ शलवार नहीं है, टू पीस है। और अब मैं चले आपको दिखाती हूँ कि इसकी डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह की है। और ये देखिए जी इसकी लुक है, इसके साथ एम्ब्रॉयडरी पैच है। ये देखिए जी ये दुपट्टा है, ये मुझे ये जो इंडियन स्टाइल की इंडियन में ये जो ये देखें ये कलर एक तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, और दूसरा ये जो इस तरह अलहदा सी ये स्टाइल होता ना, ये मुझे घिचमिचौड़ा स्टाइल नहीं पसंद। अच्छा जी ये बड़ी खूबसूरत सी ये स्टाइल बना हुआ है। ये जी इसका बॉर्डर था बहुत प्यारा कलर, और अजरक का ये जो कलर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये जो मरून सा कलर है, ये अजरक कलर बहुत खूबसूरत मुझे लगता है। ये पहना हुआ इंसान बड़ा एलिगेंट और बड़ा खूबसूरत लगता है। और सर्दियों में तो आपको पता है कि कपड़ा जो है वो ज़रा डार्क लेना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में पेस्टल्स कलर, गर्मियों में पेस्टल्स कलर, और सर्दियों में ये। अच्छा जी आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है। ये बड़ा खूबसूरत इसका फ़ाइन कपड़ा है, और ये देखिए जी एस जो है ना ACE, इसके भी ये भी अच्छा ब्रांड है, और इसके कपड़े भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ये देखिए जी ये इसका दुपट्टा है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें, और वीडियो को पूरा देखें कि आगे मैंने किस तरह डिज़ाइन किया है। ये असल में मेरा नहीं है, मेरी मम्मा का ड्रेस है। तो अगर आप लोगों ने भी अपनी माओं के लिए इस तरह बनवाना है, आप लोगों को डिज़ाइन का पता चल जाएगा। मैंने बड़ा खूबसूरत सा स्टिच करवाया, मुझे तो बहुत पसंद आया, उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। ये देखें जी सारा मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। अच्छा दूसरी बात ये कि इसके ना शलवार का कपड़ा नहीं मिल रहा था, तो बहुत मैं फिरी पेशावर में भी, काफ़ी मैं लोकल मार्केट्स में फिरी, ब्रांड्स में भी फिरी, तो मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे आखिरकार इसके साथ डाई करवाना पड़ा। अच्छा जी खद्दर जो है ना, इसके ऊपर नीचे खद्दर का ही आपने डाई करवाना है। अच्छी वाली खद्दर लेनी है, जो आजकल 700 से 800 की शलवार मिल रही है, तो तकरीबन मुझे ये उतने में ही पड़ गया, 2500 रुपये में, लेकिन फिर भी अच्छा। और ये जो है ये मैंने इसके ऊपर पैच करवाया है, ये इसके साथ पैच आया था। अच्छा बाकी ब्रांड्स में जो है पैच छोटे देते हैं, मेरे मामा का जी 32 दामन है, तो 32 इंच, तो फिर उसके साथ ना ये देखें ये इस जगह में इसकी पैचिंग होनी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको जब मैंने पैच करवाया कढ़ाई वाली मशीन से, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का लग रहा है। बस वीडियो पूरी देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी फिर मैं बाज़ार गई थी, मैं इसके साथ कुछ इस तरह के लेसेस लेकर आई हूँ। ये देखिए जी एक ये इसके अंदर आपको ये कलर नज़र आ रहा होगा, ये लेस लेकर आई हूँ मैं साथ इसके, और फिर मैं एक सेंटर लेस लेकर आई हूँ। ये देखें ये वाली ये सेंटर लेस लेकर आई हूँ। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसका किस तरह की डिज़ाइनिंग करवाई है। अच्छा दूसरी बात ये मैं कहना भूल गई कि ये जो ड्रेसेस है ना, इनको ओवरलॉक आपने लाजमी करवाना, क्योंकि इसका धागा होता है मोटा, ठीक है, लेकिन जब ये फिर निकलने पे आता है ना, तो बस फिर। अच्छा जी ये अब सिल चुका है, और लुक जी इसकी कुछ इस तरह है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये देखें जी ये गले पे जी देखें गोल गला है मामा का, मेरी मामा ज़्यादातर गोल गले ही पहनती हैं। और ये मैंने जो इसमें दो कलर आ रहे थे मरून और ये, उस कलर में जी ये देखें इस तरह लूप्स लगवाए हैं, ये जी आधे इंच से भी कम का है, ठीक है जी। ये मैंने नीचे मामा को कुछ डिज़ाइन करवाया इस तरह, ये देखें ये इस तरह, ये जो पाइपिंग का कपड़ा आजकल सिल्क का चल रहा है वो ला के, और हाफ इंच से थोड़ा सा ऊपर की इस तरह बनवा के, तो फिर करवाया फिर बनवाया है नीचे, और पहले मैंने इसको स्टिच करवाया है, और फिर ये देखें जी इस तरह ये एम्ब्रॉयडरी जो मशीन होती है ना, उससे एम्ब्रॉयडरी करवाई है। और साइड्स पे जो मैं आपको अभी सेंटर लेस दिखा रही थी, वो मैंने इस तरह साइड पे स्लिट्स में दिलवाई, बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा दूसरी बात ये कि जो अंदर कपड़ा है ना इस सेंटर लेस के साथ जो है, उसको ज़रूर ओवरलॉक करवाएं, ठीक है जी। ये देखें जी कुछ इस तरह, ये जी स्लिट्स पे इसी का कपड़ा अंदर लगा हुआ है, और बाजुओं में जी इस तरह वही जो गले में लगाया अगेन उसी को थोड़ा लंबा करके, अच्छा जी उसको देखिए अंदर इस तरह लगवाया है। सामने से तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, जितनी मुमकिन हो सका मैंने आपको दिखा दी है, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए जी इस तरह,
सारी लुक समझ आ गई है। ये देखिए जी, इस तरह की शर्ट बनी हुई है, पहने में बहुत खूबसूरत, बहुत एलिगेंट लगती है। अभी जो मैंने इसके साथ शलवार डाई करवाई है ये, अच्छा जी बैक से है इसका, बैक के लिए जो था वो पैच नहीं था। तो अच्छा लगा आपको, अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा जी, ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टों के जो छोटे पल्ले होते हैं उनको जी मैंने इस तरह ये वाली लेस लगवाई है। ज़्यादा मुझे भारी भरकम बस बहुत ज़्यादा शर्ट पे हो गया था, तो इस वजह से मैंने दुपट्टे को थोड़ा लाइट रखा है। तो इस तरह जी, ठीक है, ये दुपट्टा है। और शलवार जो मैंने आपको बताया था कि मैंने डाई करवाई, सिंपल है, इसमें कुछ डिटेल से बताने के लिए नहीं है, तो मैंने रैंडम दिखाया। अब ये मैंने हैंग करके भी आपको दिखा दी है इस शर्ट की लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अच्छा, दूसरी बात, पैच आप लोगों ने इस तरह से लगवाना कि बड़ी सफाई से लगे और ऐसे लगे कि जैसे ये इसी के ऊपर कढ़ाई हुई हुई है। कुछ जो पैचिंग करते हैं ना कढ़ाई वाले अंकल, वो बड़ी ख़राब सी करते हैं कढ़ाई वाले अंकल। अच्छा जी, ये दूसरा मैंने कहा चलें ये भी मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ। चलिए, ये मेरे मामा का वेलवेट का सूट है, ये हम पिशावर से लेकर आए थे। तो ये जी देखिए, ओवरऑल हमने सूट ख़रीदा था, ये जी मुझे कुछ 3500 तक का मिल गया था। और ये जी इसके साइड्स पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा और इस पर ना ज़रा शाइन सी मार रहा। ये बीड्स वाली लेस मैंने लगवाई है और नीचे जी इस तरह ये सितारों की लेस मैंने लगवाई है आगे पीछे। मामा तो मेरे सिंपल पहनती हैं, ये बड़ी खूबसूरत लगती है पहनी हुई। वेलवेट में ये बात है कि ये गले में जो नीचे सितारे थे उसी के साथ की डिटेलिंग कर दी है। दुपट्टा जिसका इस तरह शिफॉन का, वेलवेट के साथ शिफॉन का रंग बड़ा मुश्किल से आता है, आप कोशिश करें कि साथ वेलवेट का ही दुपट्टा बनाए उसको। ये देखें सिंपल सी पाइपिंग मामा ने का सेम कलर में मुझे पाइपिंग कर दें। फिर उसके ऊपर हमने इस तरह खुद से सितारों का स्प्रे करवा दिया, ये देखें जी सितारों का चिटा कर दिया। और ये देखिए जी इसकी लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग कोशिश करें जो यंगस्टर्स हैं कि वो वेलवेट के साथ वेलवेट का दुपट्टा लें, सर्दियों में बहुत खूबसूरत लगता है, शादी वगैरह के लिए भी, आम पार्टी वेयर्स में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए जी इस तरह, ठीक जी, ये बहुत खूबसूरत सामने से देखने में बहुत खूबसूरत। अच्छा, सही लेस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ये देखिए जी कुछ इस तरह, ये अब समझ आ गई होगी आप लोगों को। ये देखिए जिस तरह लेस लगी हुई है और नीचे किस तरह लेस, मैंने तो मामा को बाजू और गले पे भी लगा कर दी थी, लेकिन मामा को फैंसी इतना पसंद नहीं है तो फिर वो हमने हटवा दी। और ये देखिए जी पीछे भी इस तरह डिज़ाइन, ये जी इसकी पूरी लुक दिखाने की मैंने कोशिश की। देखिए इस तरह बहुत प्यारा, ये बड़ा मैरून ब्राउन सा कलर था, बहुत खूबसूरत। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह फॉर वॉचिंग द वीडियो।